अन्ना हजारे ने सरकार के खिलाफ घोषित अपना अनशन रद्द कर दिया है। कृषि कानूनों के बदलाव की गारंटी पर अन्ना हजारे ने यह आंदोलन रोका है। गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू होने वाला अपना अनशन रद्द कर दिया है। बीती शाम उन्होंने बीजेपी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के खिलाफ घोषित अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन को रद्द करने की घोषणा की। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों के लिए सुझाए गए सभी 15 सुझावों को मान लिया है और उच्च स्तरीय कमेटी बनाने को कहा है। इससे मुझे विश्वास है कि अब इस मामले का समाधान हो जाएगा। आइए सुनाते हैं अन्ना हजारे ने इस पर और क्या कुछ कहा। अलग अलग सामाजिक विषय पर कई सालों से मैं आंदोलन करते आया। संविधान ने दिया हुआ हमें अधिकार है, वो शांति से मार्ग से संतता अहिंसा इसके मार्ग से आंदोलन करना दोष नहीं, आत्मक्लेश हमने करना है और संविधान लोगों को होने है। ऐसे सत्याग्रह ऐसे आंदोलन ये करते आया और किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो। वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है, वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ा कर देना, और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ा कर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसा मुझे लेटर दिया है, इसलिए वो लेटर दिए देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने, और मुझे विश्वास हो रहा है कि अपेक्षा तो लोगों की बहुत है, लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसान के काफ़ी हद तक समस्या दूर कर हो जाएगी और किसानों के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इस वक्त ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं अभी जो उद्विग्न हो गया था और मैं सोच रहा था कि बस भगवान ने जो कर लिया मेरे से इस उम्र के 83 साल तक जो भगवान ने कर लिया मेरे हाथ से वो बस हो गया, अभी ये आखिरी। लेकिन अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।